welcome to Logic Heat. So we were discussing the rainwater trapping problem. We have already discussed two approaches, and this is the third approach where we'll use stack. So again, this is the more efficient solution than the previous solutions. Let's see how we are moving ahead. So here I have written the algorithm as well as the example. We'll just try to understand the example first, and then with the help of example, we'll move to this logic. So yeah, we'll do some mix. We'll understand this algorithm too, this example too. Let's see how. So यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले एक stack लिया हमने, ठीक है? पहले टावर से स्टार्ट करते हैं. याद रखिए, स्टैक में हम इंडाइसेस पुश करेंगे, ना कि हम इनकी हाइट को पुश करेंगे. तो अगर 9 वाला टावर पुश करना है ना, वील पुट द इंडेक्स ऑफ इट विच इज 0. ओके, दैट्स क्लियर. नाउ हम चालू करते हैं इटरेट द एरे. सबसे पहले व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, बट स्टैक इज एम्प्टी, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. पुश करंट एट टॉप ऑफ स्टैक. तो स्टैक के टॉप पे हम जीरो पुश कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमें ये टावर पुश करनी थी. तो वी पुश द इंडेक्स ऑफ. नेक्स्ट इज मूव टू नेक्स्ट टावर. तो अगर हम नेक्स्ट टावर पे मूव करते तो हम इस टावर पे आ गए. फाइन, फिर से यहां जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, भाई अब तो स्टैक एम्प्टी नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज एंड हाइट ऑफ करंट. करंट की जो हाइट है क्या वो ज्यादा है जो कि टॉप पे रखा है उससे? तो जीरो रखा है. जीरो की हाइट कितनी है? 9. तो भाई ये तो कम हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स. तो हम यहां गए पुश करंट. करंट इज अगेन 1. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टावर, राइट? तो अब हम यहां पहुंचते हैं. अच्छा देखिए, अगर हम बड़े टावर से छोटे टावर पे जा रहे हैं, वी आर सिंपली पुशिंग इट. अब देखते हैं, छोटे टावर से हम बड़े टावर पे गए, राइट? तो फिर से हम यहां आते हैं. व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड हाइट ऑफ करंट इज ग्रेटर. करंट की हाइट ज्यादा है जो टॉप पे रखा है उससे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टॉप में स्टैक डॉट पॉप कर देंगे. मतलब ये 1 इंडेक्स यहां से हटा के टेम्परेली हमने टॉप में लिया. डिस्टेंस निकालेंगे हम जो अब टॉप पे है. अब टॉप पे क्या है? 0. इसके और इसके बीच का, तो करंट विच इज 2. ठीक है, इंडेक्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इन दोनों टॉवर के बीच का डिस्टेंस चाहिए विच इज 1 प्रैक्टिकली. बट हम कैसे निकाल रहे हैं? करंट माइनस स्टैक डॉट टॉप विच इज 0. 2 माइनस 0 माइनस 1 विच इज 1. ओके, तो डिस्टेंस आ गया हमारा 1. बाउंडेड हाइट कितनी होगी? तो देखो, हमें पता था ये वाला टावर छोटा है और ये इससे बड़ा है. हमें ये भी पता था कि स्टैक में जो इसके नीचे होगा ना, वो इस टावर से बड़ा होगा, राइट? अगेन हम इसी लॉजिक पे आ रहे हैं. हाइट अभी तक जो लेफ्ट की थी मैक्स, मतलब जो इसके पहले की मैक्स थी, और ये जो हाइट है, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम लो जो कि ये है, ठीक है? तो 9 और 4 में से मिनिमम कौन सा है? 4. 4 माइनस हाइट ऑफ टॉप, ठीक है? टॉप पे कितना है? 1. टॉप में हमने क्या स्टोर करके रखा था? जो यहां पे था. तो 4 माइनस 1 3 व्हिच इज दिस एरिया, राइट? आई थिंक इट्स क्लियर. तो आंसर में अभी क्या आ गया? डिस्टेंस 1 इनटू बाउंडेड हाइट 3. सो आंसर में आ गया 3. ओके, फिर से हम, ये लूप अभी खत्म नहीं हुआ है. अब हम इस लूप में फिर से आते हैं. स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, हाँ सही बात है. करंट की हाइट, करंट अभी भी यही है. इसकी हाइट क्या ज्यादा है इससे भी? पर ऐसा नहीं है, इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है? तो हम इस लूप से बाहर निकल गए. पुश करंट एट टॉप ऑफ स्टैक. तो करंट क्या था? ये वाला टावर, इसका इंडेक्स है 2, ये हमने पुश कर दिया, ठीक है? मूव टू नेक्स्ट टावर. नेक्स्ट है यहाँ पे 0 हाइट है, ठीक है? तो स्टैक एम्प्टी नहीं है पर करंट की हाइट छोटी है, राइट? तो हम इसको भी पुश कर देंगे, इसकी इंडेक्स है 3. क्लियर? नेक्स्ट हम मूव टू नेक्स्ट टावर व्हिच इज दिस. ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये अगेन बड़ा हो गया है जो टॉप पे है उससे. हाइट ऑफ करंट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ स्टैक डॉट टॉप. तो हम क्या करेंगे? स्टैक डॉट पॉप. तो यहां पे कितना स्टोर हो गया? 3.
डिस्टेंस कितना आएगा? अभी स्टैक के टॉप पे टू है, करंट क्या चल रहा है हमारा? दिस 4 माइनस 2, 2 माइनस 1, राइट? 4 माइनस 2 माइनस 1, इट्स अगेन 1. ठीक है, डिस्टेंस हमारा आ गया कि जो अभी टॉप चल रहा था, मतलब ये वाला है ना, जो इससे जस्ट बड़ा था पहले, स्टैक में रखा हुआ ये और ये, इन दोनों में से मिनिमम है ये वाला, विच इज इसकी हाइट कितनी है? 2. ठीक है, और इस टावर की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ टॉप, टॉप पे क्या है? 3. 3 पे क्या रखा है? 0. ठीक है, 2 माइनस 0. तो यहां पे ये वाला एरिया हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया. तो 3 प्लस डिस्टेंस था 1 इंटू बाउंडेड हाइट थी 2. 3 प्लस 2. आई नो इट्स getting little bit difficult to understand, but if you'll go with the flow, you'll come to know. Next पे चलते हैं. अब हम इस टावर पे आ गए, ठीक है? Stack, अच्छा, एक सेकेंड, अभी हमने और पुश नहीं की. अभी हम किस पे थे? इस पे. ये वाला छोटा था, right? फिर ये लूप चलाएंगे तो करंट की हाइट छोटी हो जाएगी, तो ये लूप एंड हो जाएगा. पुश करंट एट टॉप ऑफ द स्टैक, तो स्टैक के टॉप पे क्या आ गया? 4. इंडेक्स पुश कर दी. Move to next tower, which is this. Okay, अब हम देखते हैं, यहाँ पे stack empty नहीं है और current की height क्या ज़्यादा है जो top पे रखा है? तो देखो 4 पे क्या है? 2. इसकी height कम है, इसकी height ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे put कर देंगे 4. ठीक है? अब बताओ distance, current हो गया हमारा कितना? 5, index हो गई current 5, minus stack dot top, stack dot top पे क्या रखा हुआ है हमारा? 2, minus 1, so 3 minus 1, 2, अच्छा बताइए ऐसा क्यों आया होगा? अभी top पे क्या चल रहा था हमारा? ये 2, मतलब कि ये वाला, right? ये वाला था, ये और ये, इन दोनों के बीच का distance कितना है? 2, तो हम basically देखें तो इसका answer है 2 into, अच्छा ये वाले से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां तक का तो एरिया पहले ही कैलकुलेट हो चुका है. अब क्या कैलकुलेट हो रहा है? मिनिमम ऑफ हाइट इसकी और इसकी, विच इज दिस, इतना इतना बाउंडेड हाइट हो गया. तो बाउंडेड हाइट कितना आएगा? 4 और 8 में से मिनिमम क्या है? 4. 4 माइनस हाइट ऑफ टॉप, विच इज दिस 2, तो 4 माइनस 2, ठीक है, दिस इज 2, तो 2 इंटू 2, डिस्टेंस इंटू बाउंडेड हाइट, ये आ गया आपका 4. ठीक है, तो ये वाला एरिया पूरा कवर हो गया. आया समझ में? तो 3 प्लस 2 प्लस 4. ओके, ये अब हम इस लूप को फिर से चलाते हैं. अब टॉप पे क्या है? अब टॉप पे है 2, मतलब कि ये, और अभी भी करंट जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर से हम अब टॉप पे रख देंगे इस 2 को, राइट? अच्छा, अब डिस्टेंस निकालते हैं, तो करंट अभी भी 5 है, ठीक है, करंट अभी भी 5 है, माइनस आपके स्टैक डॉट टॉप विच इज 0 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, आपका डिस्टेंस आ चुका है 4, बाउंडेड हाइट इज मिनिमम ऑफ, देखो अभी हम यहां पे हैं और ये जो स्टैक डॉट टॉप है वो ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया हमारा? 4, करेक्ट है, 1 2 3 4. और हाइट कौन सी है ले रहे हैं? हाइट ऑफ करंट विच इज दिस एंड हाइट ऑफ दिस, कौन सा मिनिमम है? ये वाला. तो इन दोनों की मिनिमम, ठीक है, विच इज दिस 8 माइनस हाइट ऑफ टॉप, कितनी है हाइट ऑफ टॉप? 2 पे कितना है? 4. ठीक है, 8 माइनस 4 हमारा आ गया 4, बाउंडेड हाइट इज 4, 4 इन टू डी भी आ गया आपका 4, सो दिस 16, 4 into 4 16, ये एरिया भी कवर हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अभी ये लूप अब खत्म होगा क्या? अब तो इस टाइप में कुछ बचा ही नहीं क्या? हमने टॉप निकाल लिया था, या इट विल रिमेन देयर आई गेस, यस इट इज देयर. हाँ, तो अब क्या हुआ कि हाइट ऑफ करंट इट इज नाउ अगेन सेम 8,
और जो स्टैक डॉट टॉप है उसकी हाइट ज्यादा हो गई, तो अब ये लूप फेल हो गया। पुश करें ने टॉप ऑफ स्टैक, तो हम अब इस 5 को यहाँ पे पुश कर देंगे एंड मूव टू नेक्स्ट यहाँ पे। अब ये तो छोटा है, ऑफकोर्स जो भी इस पे टॉप पे क्या है 5, मतलब ये वाला इससे छोटा है। अगेन हम आगे बढ़ जाएंगे, हम इस पे आगे, ये अगेन छोटा है, हम और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, इन्हें पुश करते जाएंगे, 6, 7, ठीक है। अब हम आगे इस पे, इसमें करंट की हाइट जो टॉप पे है 7, मतलब इसकी हाइट है 3, इसकी है 5, तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे। टॉप में क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप, तो पॉप किया 7, यहां पे स्टोर हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 7 माइनस 6 1 माइनस 1 नो नो नो, करंट इज 8, सॉरी 8 माइनस 6 2 माइनस 1 डी आ गया आपका 1, ठीक है। बाउंडेड हाइट कितनी आएगी, करंट की हाइट, और टॉप पे क्या है 6, इस पे कितनी हाइट है, इस पे है 6, इस पे है 5, मिनिमम हुआ 5, 5 माइनस हाइट ऑफ टॉप, टॉप है 7, 7 पे कितना है 3, तो 5 माइनस 3 2, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो 1 into 2 आंसर में 2 और ऐड हो जाएगा। सो इफ यू सी दिस वाज अ अप्रोच कि अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं विल कीप पुशिंग इट, अगर छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करते जाएंगे तब तक जब तक हाइट ऑफ करंट छोटा हो जाए हाइट ऑफ स्टैक डॉट टॉप्स, ओके। और इससे हमारा सॉल्यूशन अगेन कितना आ गया है, 3 plus 2 5 5 plus 4 9 16 25 27 years, ओके। अच्छा, इसमें अगर हम देखें इन द वर्स्ट केस हो सकते हैं स्टैक में सारे एलिमेंट्स को पुश किया हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, अगेन वी आर ट्रैवर्सिंग इट कंप्लीटली वंस, सो इट इज ऑर्डर ऑफ एन। सो लास्ट टाइम पे हम दो अरे रख रहे थे और उसमें लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स स्टोर कर रहे थे, विच इज स्लाइटली मोर देन दिस अप्रोच, सो दिस इज मोर एफिशिएंट। थैंक यू, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट अप्रोच इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।